मैं मोदी साहब नूं पुछना चाहुंदा, हरियाणे दे मुख्यमंत्री नूं पुछना चाहुंदा कि की फर्क है इन्हां दोवां डायरां दे विच। उस जनरल डायर ने जिहड़ा आयुष सिन्हा वा उहने अपने अकावां नूं खुश करन दी कोशिश कीती आ, ते जिहड़े साडे देश दे लीडर आ चोर एक नंबर दे, उहनां दा आधुनिकीकरण कदों होणा वा। करनाल दे विच होए लाठीचार्ज का सारे पासे विरोध हो रहा है अते इस दे खिलाफ लोकां वलों अपने अपने ढंग दे नाल अपना रोस प्रगट किया जा रहा है। समाज सेवी मनदीप सिंह मन्ना वलों इस दा जोरदार विरोध किया गया ते अमृतसर दे जल्लियांवाला बाग विखे उन्हां वलों लोकां दे इकट्ठ नूं संबोधन करदे होए सरकारां ते वड्डे सवाल चुके गए अते सरकारां दे रुखे वतीरे की निंदिया की गई। मनदीप सिंह मन्ना ने कहा कि इस जगह ते 13 अप्रैल 1919 नूं जनरल डायर ने निहत्थे लोकां ते गोलियां दागण दा हुकम दित्ता सी, जिस दे विच 1500 दे करीब लोक शहीद हो गए सन। इस शहादत ने भारत की आजादी की नींह रखी सी। उस समय भी लोक धरना दे रहे सन अते करनाल दे विच भी लोक धरना दे रहे सन अते अपनियां हक्की मंगां दे लई संघर्ष कर रहे सन। उन्हां कहा कि मोदी ने जल्लियांवाला बाग दे उद्घाटन दौरान अपना भाषण दिता कि इत्थे शहीद होए लोकां नूं हुण नमन करदे ने। मनदीप सिंह मन्ना ने मोदी अते खट्टर तों पुछिआ कि करनाल दे विच इक अफसर ने जनरल डायर वर्गे हुक्म दित्ते ते इतिहास नूं दोहराया। उन्हां मोदी नूं पुछिआ कि इक पासे तुसीं जल्लियांवाला बाग दे इतिहास नूं दस रहे सी ते दूजे पासे उसे इतिहास नूं दोहराया जा रहा सी। साडे नाल दे सूबे ते लोकां ते तशद्दद ढाया जा रहा सी। उन्हां पुछिआ कि तुसीं जल्लियांवाला बाग दा आधुनिकीकरण कीता पर साडे लीडरां दा ते साडे अफसरां दा नवीनीकरण कदों होवेगा। मनदीप सिंह मन्ना ने सिद्धे सिते कहा कि साडी सरकार अंग्रेजां दे नालों घट नहीं है। साथियो, अज मैं खड़ा अमृतसर की उस पाक पवित्र धरती के उत्ते जल्लियांवाला बाग दे विच जिथे 13 अप्रैल 1919 नूं जनरल डायर ने गोलियां दा आर्डर दे के और 1500 दे करीब जिहड़े लोग सीगे जिन्हां नूं शहीद कीता सीगा और उसे शहादत ने भारत दे जिहड़ी आजादी दी ओह नीह रखी सीगी, उस तों बाद जाके जिहड़ी आजादी मिली और इहदे हालात आम तो सारे वेखे ने। पर मैं जिथे तुलना कर लगा कि वह छोटी जी गली है जिदे विच जनरल डायर ने मोर्चा ला लिया सीगा, इक्को ही रस्ता सीगा जल्लियांवाले बाग दे विच अंदर आउण दा और उत्थे उन्हें अपना मोर्चा ला के ते जिहड़ियां गन बीड़ दित्तियां सीगियां और इत्थे जिहड़े लोग ने वह धरना दे रहे सीगे रॉयल एक्ट के खिलाफ, जिदे विच सरकार ने पास कीता सीगा कि नो अपील ते नो दलील। ये कई साल जल्लियांवाला बाग बंद रहा क्योंकि इहदा आधुनिकीकरण जिहड़ा सुंदरीकरण होना सीगा। कल मोदी साहब ने इहदा जिहड़ा वर्चुअल उद्घाटन किया, पहलां तो इस जल्लियांवाले बाग के शहीदों नूं समर्पित मैं दो लैणा कहण लगा कि अंग्रेजों की यातना से सींचा, अंग्रेजों की यातना से सींचा, मैं वही अनुराग हूँ, वीरों के गर्म लहू से भीगा, मैं जल्लियांवाला बाग हूँ। इत्थे कल वर्चुअल जिहड़ा इहदा उद्घाटन किया गया, ऑनलाइन भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया और मोदी साहब अपने लैक्चर दे विच मैं अज सारा सुनिया उहदे विच बोलदे सीगे कि जनरल डायर ने इत्थों अन्ने वाह गोलियां चलाईयां, गोलियां चलाउण दा हुक्म दित्ता, इत्थे इन्ने लोकां दी शहादत जिहड़ी होई आजादी दी बलदी लौ नूं बुझाउण लई, अमानवता दा अमानवता दीआं सारीआं हद्दां पार करके 1500 दे करीब बंदे शहीद किए गए और मोदी साहब कह रहे थे कि उन्होंने शहीदों नूं मैं प्रणाम करदा, इन्हां दी बदौलत सानू आजादी मिली है और 75 साल बाद मैं इस जल्लियांवाले बाग का आधुनिकीकरण कर रहा वा। हुण मैं जिहड़े सवाल खड़े कर लगा वह मैं तुहाडे लोकां कोलों भी इहदे उत्ते सहमति लैणी है कि जो कल करनाल दे विच किसानां दे उत्ते होया, जे जनरल डायर ने इत्थे खलो के कहा सीगा कि कोई बंदा बच के नहीं जाना चाहिदा, कल दे एक जिहड़ा करनाल दा SDM आ IS अफसर आ उहदा नां आयुष सिन्हा, वह अपनी फोर्स नूं अगे खिलार के ते हुक्म दे रहा कि जिन्ने भी किसान अज धरने ते आए ने किसी का भी सिर पाड़े बगैर जां को लत्त बाह टुट्टी तो बगैर जे वह बंदा बाहर चले गया तो मैं अफसर तुहानूं सस्पेंड कर देना। जे वह जिहड़ा जनरल डायर आ
उस अफसर ने जिहड़े हुक्म दिते ते उस जनरल डायर दे विच ते 1919 वाले जनरल डायर दे विच मैं मोदी साहब नूं पुछना चाहुंदा, हरियाणे दे मुख्यमंत्री नूं पुछना चाहुंदा कि की फर्क है इन्हां दोवां डायरां दे विच। और मोदी साहब उहदे नाल कह रहे सीगे कि लोकां नूं इतिहास याद रखना चाहीदा, इहदे नाल सानूं सिक्ख्या मिलदी आ। अज मैं तुहानूं लोकां नूं कहण लगा, मैं नरेंद्र मोदी नूं वी कहण लगा कि कल जदों तुसीं जल्लियांवाले बाग दा उद्घाटन कीता उहदे नाल नाल इतिहास नूं फिर दोहराया गया कि किवें लोकां नूं अग्गे ला के उहनां दे सिर पाड़े गए। एक ते लड़ाई अचानचक हो जांदी आ वी किते किसे ने धरना दित्ता, कोई उत्थे खराबी हो गई, पर जे कह के हुक्म दिते होण कि इन्हां लोकां दीआं लत्तां बाहवां तोड़नियां, इन्हां दे सिर पाड़ने आ, इह फिर कित्थों तक कित्थों दा इंसाफ सीगा? और किहड़ी यादी दीआं गल्लां कर रहे सीगे तुसीं? सिर्फ ते सिर्फ उस अफसर ने, उस जनरल डायर ने जिहड़ा आयुष सिन्हा वा उहने अपने अकावां नूं खुश करन दी कोशिश कीती आ। मैं मोदी साहब नूं कहना चाहुंदा कि एक पासे ते तुसीं इह जल्लियांवाला बाग विखा के ते शांति दा संदेश दे रहे सी, आजादी दा संदेश दे रहे सीगा, ते नाल दे सूबे दे विच साडे लोकां दे सिर पाड़े जा रहे सीगे, उहनां दीआं लत्तां बाहवां तोड़ियां जा रहियां सीगियां, हुक्म दित्ते गए सीगे। इह दोहरा किरदार क्यों अपनाउंदे हो? साडे कोलों ते अपनाया जांदा। मैं तुहानूं इह लैणा कहण लगा कि रंजिश के चलते हैं, रंजिशों के चलते हैं दौर आज भी गालिब, रंजिशों के चलते हैं दौर आज भी गालिब, वो झूठ बोलते हैं जो अमन की बातें करते हैं। एक किहो जिहा अमन सीगा कल लोकां नूं जिन्ना उत्थे तुसीं फोटोआं देखियां, मैं इस वीडियो च दस दूंगा कि किवें लोकां नूं लहू लुहान कीता गया, किवें उहनां दे सिर पाड़े गए। मैं पुछना चाहुंदा नरेंद्र मोदी होणां नूं कि तुसीं कहा सीगा कि 75 साल दे बाद इस जल्लियांवाले बाग दा मैं आधुनिकरण कर रहा, पर जिहड़े साडे हुक्मरान आ, जिहड़े साडे IAS अफसर आ, जिहड़े साडे IPS अफसर आ, ते जिहड़े साडे देश दे लीडर आ चोर एक नंबर दे, उहनां दा आधुनिकरण कदों होणा वा? उहनां नूं अकल कदों आउणी आ? उहनां दा नवीनीकरण कदों होणा वा? इहो जिहा विहार इत्थे बजुर्ग खलोते ने, इहो जिहा विहार ते साडे नाल अंग्रेज वी नहीं सी करदे, जिहो जिहा तुसीं लोक साडे नाल कर रहे हो।